हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर रह चुकी हूं, जिसके चलते मैं 18+ स्टूडेंट्स से बातें करती थी, उनको एक्चुअली पढ़ाती थी व्यक्तित्व के विकास के बारे में। तो अक्सर जब पहले पहले वो आते थे इस क्लास में, तो मैं उनसे पूछा करती थी कि भाई किस लिए आए हो इस क्लास में, क्या अटेंड करने आए हो बताओ। तो बोलते थे कि हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने आए हैं, पीडी क्लासेस ज्वाइन किए हैं। तो आई यूज टू आस्क देम कि अच्छा, तुम लोग 18+ के हो गए हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा पर्सनैलिटी अब तक हुआ ही नहीं, कुछ कुछ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे उनकी टांग खींची थोड़ा बहुत मैं। तो समझने की बात यह है कि पर्सनैलिटी जो होता है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो तो माँ के गर्भ से ही हमारा शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे जिस प्रकार से आपको पता होगा, एक गर्भवती जो महिला होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उन्हें कहा जाता है अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, और उनके घर वालों को बोला जाता है कि उन्हें मतलब कि हंसा कर रखिए, खुश रखिए, उन्हें खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा जो पेट में पल रहा होता है, उसका जो व्यक्तित्व का है, उसका निर्माण शुरू हो गया होता है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अभिमन्यु, हमारे महाभारत का जो कैरेक्टर है अभिमन्यु, ने चक्रव्यूह सीख लिया था माँ के गर्भ में रहते हुए, बिकॉज अर्जुन तब बता रहे थे उसके बारे में। हालांकि वो पूरा सुन नहीं पाए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया, वो चल बसे बहुत ही यंग एज में। बट एनीवे, ये मैं सब इतना बताने के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये बहुत पहले से पता है कि व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो कब से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल ही शुरू से, यानी कि माँ के गर्भ से। तो ये जो विकास के बारे में हम कहते हैं, तो विकास क्या और विकास कैसे और क्यों होते हैं? इतना पैसा, करोड़ करोड़ हजार लाख रुपए खर्चा हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, तैन होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बात समझना है कि मैं अपने स्टूडेंट से जब पूछती थी कि कितनों को लगता है कि अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से आप लोगों का व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, क्योंकि हमको देखने में अक्सर मिलता है ये 15-20 मिनट के लंबे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है टेलीविजन में कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, फिर अंग्रेजी बोलनी आ गई, फिर हमारा पर्सनालिटी में 4 चांद लग गए और हम लोग खिल गए। दूसरा है कि अगर आप अपने स्किन को ब्लीच तो कर ये ले, एक है कि जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बारिश होने के बाद जो फर्श में जो काई जमती है उसको हटाने का काम करती है, जो उसी ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला को अब हम लोग अपने मुंह में लगा लगा के जला जुलू के अपने आपको फेयर एंड लवली बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि सब, खास करके औरतें ऐसे बोलती हैं मतलब एडवर्टाइजमेंट में कि मैं काली थी तो पति लेने गए बाहर पार्टी में, फिर गोरी हो गई तो पति ले गए, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास हो गया था बोल के। शर्म की बात है। एनीवे, और तीसरा सुनने में आता है कि भैया आप डाई कर लीजिए अपने बालों को, काले बालों को आप गोल्डन, पिंक, हरा, नीला ऐसा कर लीजिए तो आप का व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। अब ये बालों को हरा, पीला, नीला करने से तो आप मोर लगने लगेंगे। पीकॉक, मोर तो पक्षी के प्रजाति को बिलोंग करते हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो यानी कि आप अपने को रंग रूंग करके तो आप तो अब डिमोट कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं खुद को। तो ये समझने की बात है, अगर अंग्रेजी बोलने से आपके व्यक्तित्व का विकास हो गया है, तो जो अंग्रेजी बोलने वाले जो कंट्रीज है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, जो बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं, वहां पे फिर हम इतना सुसाइड क्यों सुनते हैं? 14-18 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ड्रग पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, अपनी जिंदगी को तबाह करके रख दे रहे हैं। तो ये तो पर्सनैलिटी, तो लो पर्सनैलिटी का एक साइन है ये तो, इतना तो जानते ही होंगे पर्सनैलिटी। अगर आप सुसाइड कर लेते हो या आप गलत राह में निकल लेते हो, ड्रग पी के अपने आप को बेहोश रखते हो, तो ये सब क्या है? ये तो पुअर एंड लो पर्सनैलिटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं ये। तो अगर अंग्रेजी बोलने से, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से आपका लाइफ सेट हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी विकसित हो जाती है, तो ये लोग तो क्यों सुसाइड करते हैं फिर, अंग्रेजी बोलने वाले लोग? यानी कि ये है मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया आपका फेयर स्किन। फेयर स्किन ऐसे हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में ऐसे देश है जहाँ पे फेयर ही होते हैं वो लोग, है ना? इक्वेटर है, वहाँ मेलानिन पिगमेंट्स कम होते हैं जिसके लिए वो लोग फेयर होते हैं। तो वहां पे भी हम लोग सुसाइड सुनते हैं, ड्रग एडिक्शन सुनते हैं, अभी बहुत कुछ सुनते हैं बचकानी बातें, वो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ फेयर होने के बावजूद। और गोल्डन हेयर लेके जो जन्म लेते हैं, जन्म से जिनका ब्राउन ब्लॉन्ड गोल्डन हेयर है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं, वो भी ड्रग पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि बाहरी जो चीजें आपको दिखाई जाती है कि बाहर से आप शो ऑफ करिए और आपको लोगों को लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप है, इसका मतलब ये हुआ कि आप नाटक कर रहे हैं, अपने आप को तो झूठ बोल ही रहे हैं, दूसरों को भी आप झूठ झूठी दिलासा दे रहे हैं कि हम देखिए हम लोग कितने
फेयर हैं और हमारा कलर्ड हेयर है और हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, यानी कि हमारी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी घंटा है। उसकी समझने की कोशिश करिए, पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी होती है पर्सनल सेट ऑफ क्वालिटीज, यानी कि आपकी क्वालिटी क्या है। यानी कि अगर आप लोगों को बहुत मदद करते हैं, आप बहुत मददगार हैं, तो आपको समझा जाएगा, या तो आपके इलाके में आपको जानेंगे, अरे ये बंदा बहुत हेल्पफुल है, ये सबकी मदद करता है बहुत। तो ये एक पॉजिटिव पर्सनालिटी का एक चिन्ह है। सिमिलरली अगर आप बहुत गुस्सेले हैं, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो कैसे आपको लोग कैसे जानेंगे, अरे यार इससे तो बात मत कर यार, बहुत गुस्सा करता है, बेकार में बरस पड़ता है, अरे इसको अवॉइड करो। ये आपकी पर्सनैलिटी जो क्या है, नेगेटिव है। तो आपके अंदर जो है वो बचपन से लेकर तकरीबन 15-16 साल तक आपकी मोर और लेस एक सेट ऑफ क्वालिटीज बन जाती है, ठीक है। हमारे बचपन से कंडीशनिंग होते 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 हमारी एक पर्सनालिटी का गठन हो जाता है, मैंने हमारी जो क्वालिटी है। अब क्या है, तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, इस क्लास में या तो कॉन्शियसली हमें क्या करना है, हमारी जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो हमें समझना है कि हम लोग टेम्पर लूज कर देते हैं, हम लोग बेकार की बचकानी बातों में हम लोग वक्त जायर कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो उसके साथ भाग गई, वो उसके साथ ड्रग बेच रहा है, ये सब बचकानी बातें करके आपको क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। गॉसिप मॉन्गर इसको कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है सब अनाप शनाप पकड़ने। तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी, इसको हटाना है। आप झूठ बोलते हैं बहुत, उसको हटाना है, नहीं तो आपको समझा जाएगा, लोग बोलेंगे अरे यार इसको बहुत फेंकता है ये, इससे बात मत कर, भाग ले, इसे कट ले। तो झूठ बोलते हैं तो उसको आपको हटाना चाहिए। अगर आपको, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे दोस्त हों आपके, अच्छा माहौल में आप रहे, तो आपको अपने जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो कैसे छूटता है, वो छूटता है एक तो कॉन्शियसली छूटता है, वो बहुत डिफिकल्ट बात है, और एक जो है जो मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ, जो हम करते हैं हमेशा, जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से जो है हम लोग जो सिखाते हैं सर, खासकर जो सर जो मेडिटेशन हम सिखाते हैं, उसमें एक्चुअली स्वतः स्वतः आपको जब एक हायर फीलिंग्स, जब आपको हायर एक्सपीरियंस होगा, तो ऑटोमेटिकली जो लो फीलिंग्स या लो डिजायर्स जो हैं आपके, वो स्वतः कट जाते हैं आपसे। तो ये आज सिर्फ इतना बोलूंगी मैं इसके बारे में, बाद में फिर से जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो हम बताएंगे आपको किस प्रकार से सहज योग मेडिटेशन के माध्यम से आपके जो क्वालिटीज हैं वो स्वतः गुणवान, मतलब कि अच्छे गुण पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जो सभी को प्रेम प्रिय है। आपका अच्छा क्वालिटी होगा, आपका अगर पॉजिटिव क्वालिटी होगा, आपके साथ रहने में, आपके साथ दोस्त बनने में लोग और भी चाहेंगे, ठीक है। और अगर आपके नेगेटिव क्वालिटी होगा, आप झूठ बातें करते हैं, फरेबी हैं आप, और आप चीट करते हैं लोगों को, तो आपसे लोग करते करते ऐसे लोगों के खप्पड़ में पड़ेंगे आप, जो खुद आप ये बोलते ना शेर तो सवा शेर, तो आप ऐसे चक्कर में पड़ जाएंगे, गलत लोगों के चक्कर। तो ये आप पर निर्भरशील है, आपका क्या पर्सनालिटी है, उसी के हिसाब से आपके फ्रेंड्स बनेंगे, उसी के हिसाब से आपका माहौल बनेगा, उसी हिसाब से आपकी लाइफ भी बनेगी, जिसे कहते हैं एनवायरमेंट मेक्स अ मैन। आज के लिए इतना, सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।